क्षेत्र की आशा वर्कर व गट प्रवर्तक इन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चेचोली में दो दिवसीय धरना आंदोलन किया। ग्रामीण एवं शहरी भागों में काम करने वाली आशा वर्कर व गट प्रवर्तक इनकी प्रलंबित मांग पूरी करने के लिए आशा वर्कर व गट प्रवर्तक महिलाओं ने बेमुदत काम बंद अनशन जारी किया है। जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनशन जारी रहेगा, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। राज्य सरकार एवं शासन प्रशासन ने जो आशा वर्कर को 2000 व गट प्रवर्तक को 3000 रुपए बढ़ोतरी की व नियमित स्वरूप में की जाए, उसी प्रकार कोरोना काल में काम करने के प्रतिदिन 300 मिलना चाहिए, उसी प्रकार आशा वर्कर इनको 18000 वेतन और गट प्रवर्तक इनको 21000 वेतन मिलने के लिए प्रशासन शासन की ओर मांग की गई। इस आंदोलन को परिसर के स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों एवं परिसर के सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन दिया है। आशा वर्कर व गट प्रवर्तक इन्होंने धरना आंदोलन दरमियान मांगे आमचा हक्काचा नाही कुनाचा बापाचा सस्ती दारू महंगा तेल जैसे नारे निर्देशन किए गए। परिसर क्षेत्र के खापरकेड़ा चिचोली भानेगांव बिना संगम पल्ली सिल्लेपाड़ा चनकापुर बारेगांव सुरादेवी आदि गांव की आशा वर्कर व गट प्रवर्तक इन्होंने एकता बनाकर अपनी रास्त मांग के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिचोली के स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन दिए। आशा वर्कर व गट प्रवर्तक इन्होंने भीषण कोरोना काल में काम किए है लेकिन उनकी पिछले कई दिनों से शासन दरबार में मांग धूल खा रही है जिसमें शासन प्रशासन का उदासीन धोरण दिखाई दे रहा है। इसलिए अभी जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा पवित्रायन लिया गया। परिसर में करीबन 60 आशा वर्कर व गट प्रवर्तक सम्मिलित होकर दो दिवसीय चिचोली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में धरना दिया गया। आंदोलन को यूनियन के शकुंतला कोसे वनिता कुमरी शिवांगी बागड़े वैशाली ढोरे देवेंद्र कस्बे वैशाली पावनी शिवंता मांगुड़कर संगीता नरण दुर्गा गोनेकर एवं अन्य लोगों की आंदोलन को उपस्थिति थी। आम्ही दोन आशा गटावर्तक प्राथमिक आरोग्य केंद्र चिचोली अंतर्गत आमच्या 58 आशा आहेत। आम्ही गेल्या 15 तारखेपासून संपावर आहोत। तसे आम्ही PSCला 14 तारखेलाच निवेदन दिले की आमचा एक दिवसीय संप आहे, पण आमच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास आम्ही हा बेमुदत संप स्वीकारलेला आहे। आमच्या मागण्या आहे आशा गट प्रवर्तक आणि यांना कायम वेतन द्यावं, तसेच कोविड काळात केलेल्या कामाचा मोबदला हा एकदम क्षुल्लक असून तो समाधानकारक नाही, त्यासाठी प्रतिदिन 300 रुपये असं मोबदला त्यांना मिळावा आणि त्यांच्या कामाच्या याच्यावरून त्यांचे हेडवरून कामाचा मोबदला न देता त्यांना प्राथमिक वेतन निश्चिती करावी अशा आमच्या मागण्या आहेत। बेसेन न्यूज के लिए खापरकेड़ा से दिलीप गजबी की रिपोर्ट।